हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बाबरजीज़। तो चलिए आज हम बनाएंगे आलू प्याज और ब्रेड से टेस्टी सा नाश्ता। आप इसको मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ मैंने चॉपर लिया है और इसमें 4 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाली है और इसको चलाते हुए हम अच्छे से बारीक कर लेंगे। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, प्याज और हरी मिर्च बारीक हो चुके हैं। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। हम बनाने जा रहे हैं आज आलू प्याज का टेस्टी सा सैंडविच। हरा धनिया डाला है बारीक कटा हुआ और उबले हुए मीडियम साइज़ के 6 आलू लिए हैं। इनको हमें अच्छे से मैश कर लेना है। जब आलू मैश हो जाए तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और नमक हम सबसे बाद में ऐड करेंगे। आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच चाट मसाला। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो यहाँ लाल मिर्च पाउडर को आप स्किप कर दीजिए। अच्छे से सारे मसालों को हम मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मसाला रेडी है। अब हम यहाँ पर सबसे एंड में नमक मिलाएंगे। जब हम सारी तैयारियाँ कर लें उसी के बाद हमें इसमें नमक मिलाना है। तो अच्छे से हमने नमक को मिला लिया है। यहाँ पर मैंने ली है सैंडविच ब्रेड और ये ग्रीन चिली सॉस ली है। इसको एक ब्रेड पे हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अगर आप बच्चे के लिए ये सैंडविच बना रहे हैं तो आप ग्रीन चिली सॉस ना लगाकर टमाटो सॉस लगाइएगा। और जो आलू का मसाला रेडी किया है उसमें आप मिर्च कम डालें। दूसरे ब्रेड पर आलू को स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से और दोनों ब्रेड को आपस में चिपका देंगे। तवे पर बटर या रिफाइंड ऑयल लगा करके मीडियम आंच पर क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ से अलग पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है और सैंडविच जो है बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो हमारा आलू प्याज का सैंडविच रेडी है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।